उन सभी लोगों के लिए। और इस लाइव का प्रमुख उद्देश्य हमारा जो आज का जो रीट का रिजल्ट आउट किया गया है सरकार के द्वारा, और जिस प्रकार की उन्होंने तत्परता दिखाई है, या मैं कहता हूँ आनन फानन में जो भय था उस पे सरकार ने जो ये दिखाया है, उसको लेके मैं आप लोगों से लाइव जुड़ रहा हूँ। राजस्थान के तमाम युवा साथियों के बीच में मेरा ये लाइव है। इसके अलावा आज का जो रिजल्ट है, इसके अलावा जो बीएड बीएससी विवाद है, बिल्कुल आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। जितने भी युवा साथी, राम राम, जितने भी युवा मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं। इसके अलावा जो आज का जो रिजल्ट का किस प्रकार से कट ऑफ रह सकती है, कई लोगों के ये भी सवाल आ रहे हैं। और बीएड सेकेंड ईयर के जितने भी युवा साथी हैं, उनको भी, उनके साथ जो आज कुठारघात हुआ है सरकार के द्वारा, उसको लेके मैं आप लोगों से लाइव आया हूं। एक सवाल ये आ रहे कि बीएड वाले लेवल प्रथम में शामिल होंगे क्या, तो आपके तमाम प्रकार के सवाल है, उन तमाम प्रकार के सवालों का जवाब देने के लिए मैं लाइव जुड़ा हूं। जितने भी राजस्थान के तमाम युवा मुझसे जुड़ रहे हैं, और आज मैं थोड़ा खुद बाहर था और बीच में ही रुक के आप लोगों से लाइव जुड़ा हूं, क्योंकि बार बार कॉल मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे युवा साथी प्रभावित हो रहे थे और पूछ रहे थे सर लाइव नहीं है, लाइव किस प्रकार का होगा। तो चलो मैं आपको आज बता देता हूं। आज दोस्तों सरकार ने सुबह तड़के ही बिना किसी पूर्व सूचना के साथ रिजल्ट आउट किया। सरकार की पूरी तैयारी थी, सरकार का शब्द यहां पे मंत्रिमंडल से भी है, सरकार के मंत्रियों की भी तैयारी थी जो मंत्री इस भर्ती को देख रहे हैं, और उनको पता था कि किस प्रकार से ये तुरंत प्रभाव से। अब आप लोगों को लगता है कि आज रिजल्ट क्यों जारी किया गया रीट का, कई लोगों को ये लग रहा था कि रिजल्ट में थोड़ा समय भी लग सकता था, किसी प्रकार से दिक्कत, किसी प्रकार से थोड़ा डिले हो सकता था। देखो आज किरोड़ी जी का भी एक स्टेटमेंट आया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कहा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्यादे हैं इसमें आ रहे हैं। सरकार ने अभी तक भजनलाल को नहीं पकड़ा, एसओ जी की रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई, और आज रिजल्ट जारी कर दिया। चलो रिजल्ट जारी कर दिया, जल्दी उनको शिक्षक की जल्दी पड़ी है। सरकार अन्य भर्तियों के भी एग्जाम हुए कि दो दो साल हुए पड़े हैं, उनके अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुए। बहुत सारे युवा साथी, इनको देखो रोजगार देने की इतनी ज्यादा प्रतिबद्धता है, 2013 से एनम जेएनएम की जो बहने वो खून के आंसू रो रही है। इसके अलावा 2013 के एलडीसी पंचायती राज रो रहे हैं, 8-8, 9-9 साल से उनके लिए नहीं किया। लेकिन मुख्य रूप से आज जो रिजल्ट आनंद फानंद में जारी किया, देखो दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, 145 से अधिक 20-30 लोग आ रहे हैं। आज तक के इतिहास में 2011 में आर्टेट हुआ, 12 में हुआ, 15 में हुआ, या 15-16 मानते हैं अपन थे, उनमें अधिकतम अंक वाला 139 है, अब 146 148 नंबर भी आ रहे हैं। एक संदेह का घेरा है कि कहीं ना कहीं किस प्रकार से ये कार्य हो रहा है। चलो हम ये भी मानते कि बहुत सारी जगह व्यक्तियों के नंबर पूरे से पूरे आते हैं, लेकिन इस सरकार ने जिस प्रकार से ये तत्परता दिखाई है, ये तत्परता कास्ट बेरोजगारों के लिए दिखाती तो आज राजस्थान बेरोजगारी के मामले में दूसरे स्थान पर नहीं होता। अब बहुत सारे युवा साथी मुझे ये पूछ रहे हैं कि बीएड बीएसटीसी विवाद का क्या होना है, लेवल प्रथम में बीएड वालों का आज रिजल्ट नहीं आया। दोस्तों कोर्ट के निर्णय अनुसार, कोर्ट ने स्पष्ट तौर से 26 सितंबर से पहले दो दिन पूर्व कोर्ट ने कहा था कि परिणाम में रोक रहेगी बीएड वालों के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बीएड का रिजल्ट अगर एक बार रोका गया है तो 8 तारीख को हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं इस संदर्भ में, 8 या 9 को शायद उसकी तारीख भी है। अगर तारीख केस लिस्टेड होता है तो बहस भी हो जाएगी, और उम्मीद है जल्द से जल्द इसका परिणाम भी आ जाएगा। अगर परिणाम नहीं आता है तो बीएड वालों का रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहे, अपन इस संदर्भ में एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर बीएड वालों का रिजल्ट रोक के सरकार कोई भी भर्ती पूरी नहीं कर सकती, हम भर्ती की जो प्रक्रिया है, जो जिस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती है, वो बीएड वालों को शामिल करवा के ही चलेगी।
बीएड वालों का रिजल्ट भी आएगा और बीएड वालों के शामिल भी होंगे। इस संदर्भ में आप निश्चिंत रहे, 8 तारीख को आपकी एप्लीकेशन भी लगा दी जाएगी, आपके जितने भी केस वगैरह लगे हैं उन सभी के केस वगैरह लिस्टेड वगैरह सब आ जाएंगे। और अब कई लोग ये कह रहे थे कि कब इसकी अंतिम सुनवाई कब हो जाएगी, तो जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि इसकी बहस हो। हमारी टीम तैयार है, एडवोकेट की टीम तैयार है और जल्दी आप लोगों को एक रास्ता तैयार मिलेगा ताकि लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल हो सके। लेकिन मुख्य बात यह, जो आज आनंद फानंद में रिजल्ट जारी किया गया है, सरकार ने जिस प्रकार को काम किया है, हर प्रकार से सरकार ने युवाओं को गुमराह करने का जो काम किया है, जिससे युवा भ्रमित हुआ है हर बार युवा देखो दोस्तों, ये लड़ाई आप लोगों को घर बैठ के नहीं जीत सकते, आपको समझना पड़ेगा, एक लीडर चुनना पड़ेगा, उस हिसाब से कार्य करना पड़ेगा, आपको अपने काम के लिए लीडर के साथ साथ आपको खुद को बाहर आना पड़ेगा और एकजुट होकर इस बात को आगे बिठाना पड़ेगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखें, इस सरकार को इतनी क्या जल्दी थी, बीएड सेकेंड